Let's go. 20 lakh. कते? 20 lakh. 20 lakh. बाइक का दाम? हाँ. जो भी पुल फ्रांस से हो. कभी-कभी नहीं बज, देखिए नहीं बज रहा फिर. यहाँ पे स्कॉर्पियो वर्सेस डिजायर हो गया, ये देखो. वेलकम बैक टू माय चैनल A2 बाइकर. और ये देख रहे हो भाई कैसा रोड है और सनसेट कितना प्यारा हो रहा है. हम लोग जा रहे हैं पटना की ओर और हम लोग पहुंचने वाले हैं दरभंगा. दरभंगा मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पहुंचने वाले हैं कुछ देर में. अभी आधा घंटा और लगेगा. और यहाँ देखो अभी भी शाम में देखो यहाँ के लोग साढ़े तेरह लीटर दिखा भी रहा था. पहला बार देख रहे हो इधर, दूसरा ऐसा गाड़ी नहीं आया है. चलते रहता है ना. अच्छा, रुकता नहीं है. रुकता नहीं है, खाली फ्यूल के लिए रुकता है. 20 लाख. 20 लाख. बाइक का दाम? हाँ. पाँच दस. कहाँ से? पटना. तो जहाँ टेनर जाए रिश्ते बनाए. ये देखो भाई आंटी का रिएक्शन. इतना आवाज करती है ना भाई, क्या बोले भाई. ट्रक वाला पूरा पीपी पीपी कर ले. छोड़ो हटा उसको. ये देखो भाई व्यू भाई. इस लोकेशन पे कितना अच्छा अच्छा रील शूट हो सकता है. बहुत ही प्यारा लोकेशन है. लेकिन कोई ना, हम लोग कैमरा में कैप्चर कर लिए आप लोग के लिए. अभी रात हो रहा है, पटना निकलना है, नहीं तो यहाँ पे रील वगैरह बनाते हैं. बहुत प्यारा जगह है, बहुत. और स्टेज देख रहे हो बहुत लंबा. तो हम लोग पहुँचने वाले हैं फुलप्रास. 20-30 किलोमीटर बचा हुआ है बस. फुलप्रास वाला रास्ता है भाई, देख लो. जो भी फुलप्रास से हो ये वाला रास्ता बढ़िया है. यहाँ पे आराम से वीडियो शूट कर सकते हो, गाड़ी पे अपना रील बनाओ, जो करना है करो, फोटो खींचो भाई. बहुत ही प्यारा रास्ता है, बहुत प्यारा. भाई कहाँ बैठा हुआ है यार, एकदम ऊपर में भाई. पूरा ये व्यू अल्टीमेट है यार. तीसरी बार मेरे को दिखाना पड़ रहा है, दिन में और अच्छे से दिखता हूँ. तो गाइस देख लो ये रास्ता इतना अल्टीमेट है, इतना अल्टीमेट है कि ख़त्म नहीं हो रहा है. और चाहता भी नहीं हो ख़त्म हो, लेकिन क्या करें, डेस्टिनेशन पे तो अपने जाना है भाई. लेकिन बहुत
बहुत प्यारा है। अगर दिन में रहता ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाता, रील बनाता, और रील्स वगैरह जो भी आपको दिखेगा सब यहाँ दिखेगा भाई। तो ए टू बाइक और फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कैनार से रिलेटेड हर जगह जाते रहते हैं रील्स। इन निंजा 300s में भी आता है, कैनार पे भी आता है, और जितने भी सुपर बाइक है, बाकी और भी गाड़ी है, सब पे आता है भाई। फॉलो कर लो, सबको देखने को मिलेगा। और भाई सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा, पैसा नहीं लग रहा, फ्री में आपको वीडियो दिखाएंगे हम। शाम के बजने वाले हैं 7:41 हो रहा है भाई, और हम लोग फुल प्रास क्रॉस कर चुके हैं। देखते हैं आगे कहाँ स्टॉप लेते हैं, क्योंकि एक स्टॉप तो बनता है। बहुत लंबा गाड़ी चला ली है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास फिर से चल लगे हैं हम लोग। इसका हॉर्न है, बार बार खराब हो जाता है कि क्या, बज ही नहीं रहा। कभी कभी बजता है, कभी कभी नहीं बज, देखिए नहीं बज रहा फिर। ये है ना तो यहाँ रुके थे, एक स्टॉप लिए थे, पूरा गाड़ी का लाइनअप लगा था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बैक टू होम। तो भाई यहाँ पे स्कॉर्पियो वर्सेस डिजायर हो गया, ये देखो स्पीड है 100, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों में ड्रैग रेस, कौन जीतेगा ये देखो भाई, स्कॉर्पियो वर्सेस डिजायर, और जीतेगा कौन, कैनार्ड। पूरा जाम लग गया भाई, पता नहीं किस जगह पे है हम लोग, और भर भर के पुलिस जा रहा है। रिएक्शन, रुक जा भाई, निकलने दे, पता नहीं किस चीज़ का जाम हो गया है इतना, सब भर भर के जा रहा भाई, पुलिस सब गाड़ी में पुलिस है। ये देख सकते हो भाई, पूरा रेड रेड हाईवे पे हो गया है, निकलते ट्रैफिक से। तो ये रीज़न है भाई, देख रहे हो सारी गाड़ी सब के सब लेफ्ट जा रहा है, मिथिला आईटीआई के पास। क्या कर रहा भाई, चल यार, बहुत गर्मी लग रहा है। ये देखो आगे पूरा खाली है, यहाँ पे रुकवा के रखा हुआ है। क्या कर रहा है भाई, हट ना यहाँ से, पूरा खाली है, बताओ तो, फालतू का खाली जाम लगाया हुआ है। तो ललन सिंह ढाबा पे रुके थे भाई, वहाँ रिफ्रेश हुए थोड़ा देर। बाकी बाइकर्स जो हैं वो अभी मुजफ्फरपुर जाम में से नहीं निकल पाए थे, तो अभी बहुत दूर है। हम लोग देखे कि लगभग 1 घंटा का रास्ता है, तो हम तो निकल रहे हैं, और स्कॉर्पियो है वो भी निकल रही है। 3 लोग पहले ही से पहुंच गया है, बाकी अब हम लोग जा रहे हैं। स्कॉर्पियो जा रहा है भाई, हम थोड़ा देर के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। ऋषिकेश भी आ रहे हैं, वो ये भैया बैठ जाएंगे उनके गाड़ी में, थोड़ा वेट करते हैं, 10 मिनट में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। तो भाई एग्जैक्ट 12 लीटर के फ्यूल का कांटा जल गया है, क्योंकि 12 लीटर में फ्यूल का कांटा जलता है और 5 लीटर रिजर्व रहता है। तो ऋषिकेश भी अभी आ गए हैं, उनका एक और भैया के लिए हम जो वेट कर रहे थे, अब हम निकल रहे हैं। बाकी और जो लोग हैं वो ललन सिंह ढाबा पे रुक के खाने में लगे थे, तो वो लोग तो हम ऋषिकेश भैया को बोले कि हम जाते हैं घर, क्योंकि उनको लेट हो रहा है, और जा भाई तू ही जा, तो वो जल्दी निकल गए। बाकी लोग वहाँ रुका हुआ था, ले क्या कर रहा भाई, ब्लॉगिंग कर दिए हैं पूरा। अब जाते हैं घर भाई, पूरा सीरीज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके लिए मैं इतना इतना दूर जाता हूँ वो भी इस गाड़ी से भाई, मतलब सोचो खर्चा कितना जाता है। और अब बाकी सब समझ ही रहे हो यार, मेहनत भी है इसको लेके जाने का, टायर का अलग सीन रहता है इसका, ख़राब हो जाता है जल्दी है, आता है भाई 20,000 का एक हो, तो थोड़ा प्यार दिखाओ यार आपका भाई, थोड़ा सा और प्यार दिखाओगे तो और जगह जाएंगे। चलो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइड सेफ।